नमस्कार साथियों, आज अपने स्टूडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस 2022-23 के डाटा पोर्टल पर किस प्रकार भरें, उसकी संपूर्ण प्रोसेस अपने इस वीडियो में देखेंगे। इस बार की जो यूडाइस प्लस के जो डाटा है उसका जो फॉर्मेट है उसमें काफ़ी बदलाव है। पूरी यूडाइस आपके 4 सेक्शन में बटी हुई है, प्रत्येक सेक्शन अलग अलग पोर्टल के ऊपर ओपन हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यूडाइस का जो होम पेज है उस पर आना होगा, जिसमें आपका जो URL होगा udaisplus.gov.in। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो होम पेज होगा वो इस प्रकार स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन है यहाँ लॉगिन करना है और यहाँ प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया इंटरफेस ओपन होगा वो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर आपको जो यूजर नेम है वो आपका यूडाइस कोड होगा, पासवर्ड आपको यहाँ लिखकर कैप्चा लिखकर लॉगिन करना होगा। यदि पासवर्ड आप भूल गए हैं तो इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप देख लीजिए और आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन करेंगे तो आपके जो स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो डैशबोर्ड होगा वो आपका इस प्रकार होगा। तो यहाँ आपको आपके स्कूल का डैशबोर्ड आपको शो होगा, जिसके अंदर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का ऑप्शन दे रखा है, टीचर्स का ऑप्शन दे रखा है, यानी यहाँ पर आपके जो 3 सेक्शन है वो ओपन हो चुके हैं। चौथा जो सेक्शन है स्टूडेंट डिटेल वो अभी ऑन नहीं हुआ है, उसका भी जल्दी ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको अब तक जो काम करना है यूडाइस बनने के लिए, सबसे पहले आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ वाले को क्लिक करना है, और जब आप टीचर्स को बनना है तो टीचर्स का एक अलग पोर्टल तैयार हो रहा है, जिस पर आपको ये, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक अलग पोर्टल पर चले जाएंगे, वहाँ पर वापस फिर से आपको यूडाइस का कोड और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करना होगा, और सारी डिटेल जो टीचर्स की है वो एक अलग पोर्टल पर आपको बननी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ की डिटेल यहाँ पर बननी है, जिसमें कुछ डिटेल आपकी पहले से भरी हुई आएंगी, उनको सबको आपको अपडेट करते हुए इसको सेव करना है। तो जैसे आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आपको इस प्रकार दिखाई देगा, जिसमें आपका यहाँ होम, चेंज पासवर्ड, माय प्रोफाइल। तो आप माय प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। आपको डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो बनना है इसके 2 सेक्शन आपके यहाँ खुल जाएंगे, जिसमें पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। पहले सेक्शन के अंदर आपको 1.1 से लेकर 1.60 तक, यानी 60 पॉइंट हैं उनकी डिटेल आपको बढ़नी है, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें 2.1 से लेकर 2.27 तक की डिटेल आपको बढ़नी है। आप इसको दोनों लैंग्वेज में बढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश में बढ़ने में ईजी है तो आप इंग्लिश को रखें, और यदि आप इसको पूरे को हिंदी में फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज में आप यहाँ से हिंदी भी सिलेक्ट करके इसको भर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 1.1 से लेकर जो 1.17 तक है ये आपकी बेसिक स्कूल प्रोफाइल है, आपकी लोकेशन, मैनेजमेंट, कौन कौन से मीडियम में आपकी स्कूल चल रही है, इससे संबंधित डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। कुछ डिटेल आपको भरी हुई होगी, ये आपकी प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल में आप यहाँ आपको सारी चीज़ें देखनी है, यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपको माई प्रोफाइल में जाके अपडेट करना होगा। इसके बाद जो 1.18 से लेकर 1.38 ये नीड करेक्शन, यदि आवश्यकता है तो उसमें आप करेक्शन करें और सेव करते चलें। जो स्टेटस है वो आपको जैसे जैसे सेव करते जाएंगे यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सेक्शन एक है उसमें जो 1.1 से लेकर 1.17 की जो डिटेल है वो बढ़ने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। आप यहाँ ऊपर फॉर्मेट यहाँ भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ जो नीचे लिस्ट दे रखी है उस पर आप क्लिक करते चलेंगे तो वहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन सेक्शन एक को पढ़ते हैं और उसकी जो डिटेल है वो देखते हैं। तो क्लिक करते हैं आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपका स्कूल का नेम जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक और लोकेशन टाइप रूरल या अर्बन है, उसके बाद आपका जो भी विलेज नेम है वो, या इधर आपका जो 1.10 से 1.5 नीचे आएगा, 1.10 से 1.11, 1.12 में स्कूल कैटेगरी, हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज की डिटेल, स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब आपको यहाँ पर शो होंगी। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन आपको करना है तो आपको माई प्रोफाइल में जाकर आपको अपडेट करना होगा, यहाँ से कुछ अपडेट नहीं होगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, यदि सब सही हैं तो आप नेक्स्ट
क्लिक कर लें। इसके नीचे जो पॉइंट है वो भी अपन देखते हैं, जो 1.5 है वो स्कूल एड्रेस से संबंधित है, पिन कोड है, नेम ऑफ क्लस्टर रिसोर्स आपका पीओ का नाम होगा यहाँ पर, इसके बाद जो अपनी असेंबली है जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम होगा, आपका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका अक्षांश देशांतर यहाँ होगा, अब मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ स्कूल स्टेट बॉडी है, लोकल बॉडी है जो भी है आपका यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार जो 1.1 से लेकर 1.17 तक की जो डिटेल हैं वो सारी आपकी स्कूल प्रोफाइल से रिलेटेड हैं, उनको आप चेक कर लें। यदि उसमें कोई करेक्शन है तो आप प्रोफाइल को अपडेट कर लें। यहाँ इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप प्रोफाइल में को अपडेट करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप इसके अगले खंड में पहुंच जाएंगे। 1.18 से लेकर 1.38 है वो आपकी बेसिक स्कूल प्रोफाइल डिटेल है, आपकी कब स्कूल की स्थापना हुई, कब कर्मोन्नत हुई, आपका मीडियम क्या है, सीसी चल रही है कि नहीं चल रही, उन सबकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। जैसे 1.18 के अंदर आपको भरना होगा इसके लिए जो यूडाइस भर रहा है इसके लिए कौन रेस्पॉन्स है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। तो जो भी यदि आप हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज हैं या कोई टीचर इसको यूडाइस को भर रहा है, संबंधित कलर किसको भर रहा है, या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर जो भी है इंचार्ज स्कूल का उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका यहाँ नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद आपको जो अगला 1.19 है इसके अंदर स्कूल की स्थापना हो रखी है, फिर प्राइमरी थी, अपर प्राइमरी में कब कर्मोन्नति हुई, सेकेंडरी में कब हुई, सीनियर सेकेंडरी में कब कर्मोन्नति हुई, वो डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। फिर आपका जो लैंग्वेज है अपग्रेडेशन स्कूल प्राइमरी से अपर प्राइमरी या सेकेंडरी, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो इस प्रकार 1.18 से लेकर 1.38 तक जितने भी पॉइंट हैं वो स्कूल प्रोफाइल से रिलेटेड है, जिनको आपको भरना होगा। इस प्रकार आपको 1.18 से लेकर 1.38 तक की सारी डिटेल भरकर सेव करनी है, जिसमें कुछ डिटेल की अपन बात करते हैं। सभी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, इसको अपडेट करना पड़ेगा। प्राइमरी अपर प्राइमरी की अपन ने बात की, इसके बाद आप यहाँ की जो डिटेल है इसे नीचे 1.22 1.21 में आपकी स्कूल कब कर्मोन्नत हुई इससे संबंधित डिटेल है। फिर जो 1.22 है 1.22 के अंदर सी डब्ल्यू एस एन से संबंधित डिटेल है, यदि आपकी स्कूल सी डब्ल्यू एस एन से रिलेटेड तो आप यस करें या नो करें। फिर 1.23 में शिफ्ट स्कूल, यदि आपकी दो पारियों में स्कूल चल रही है इन्हीं से उसकी डिटेल आपको बढ़नी है। उसके बाद आपके जो कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है आफ्टर स्कूल टाइम तो यस या नो में उसका जवाब देना है। उसके बाद आपकी स्कूल यदि रेजिडेंशियल स्कूल है तो इसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। और उसके बाद जो 1.26 है वो इसके अंदर ये है माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल है, तो इसमें जो आपका यस नो में जो भी जवाब होगा वो आपको बनना है। फिर आपका 1.27 के अंदर जो आपकी जो स्कूल के अंदर मदर टंग में आपकी स्टडी करवा रहे हैं उसके अंदर आपको यस नो के अंदर सेलेक्ट करना है। तो NEP 2020 आपको ये रिकमेंड करती है कि प्राइमरी लेवल तक आप मदर टंग का यूज करें, तो इसमें आप यस करें। उसके बाद 1.28 के अंदर यह है कि आपके कौन सी मीडियम के अंदर, तो मीडियम 1, 2, 3 आपको उस ऑर्डर में सेलेक्ट करने हैं जिसमें ज़्यादा बच्चे जिस मीडियम में अध्ययन करें उनको पहले प्रायोरिटी मिले और कम बच्चे हैं उसको लास्ट में लें। तो जो मीडियम हो गया वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और यदि उर्दू है तो आप उर्दू को भी यहाँ लिख सकते हैं मीडियम 4 में। 1.29 के अंदर जो है वो आपका इस मीडियम में कितने कितने बच्चे हैं, तो आपके इनरोलमेंट के अनुसार जिन जिन कक्षाओं में ये चल रहा है वो आपको डिटेल यहाँ बननी है 1.29 में। तो आपको पहले क्लास सेलेक्ट करनी है और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में जो हिंदी मीडियम है तो क्लास यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो और इंग्लिश है तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। संस्कृत के कौन कौन सी में है, आपका जो BGT है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ट्रांसजेंडर है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है आपको। इसके बाद 1.30 के में आपको यदि वोकेशनल अपर प्राइमरी स्टेज लेवल पर है तो उसकी डिटेल यस नो में देनी है। 1.31 में डिस्टेंस, यानी आपकी स्कूल से प्राइमरी स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, यदि पॉइंटों में है तो आप 2.5 यानी 2 किलोमीटर 500 मीटर पे है, तो इस हिसाब से आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। अपर प्राइमरी लेवल स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, इसी प्रकार आपकी सेकेंडरी स्कूल कितने डिस्टेंस पे है और सीनियर स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, ये आपको किलोमीटर में दर्शाना है। फिर 1.32 में आपकी अप्रोचेबल है सभी मौसम में, तो आपको यस नो में देना है। फिर नंबर ऑफ डेज आपको एकेडमिक ईयर 2021-22 में
कितने दिन आपकी प्राइमरी स्कूल चली, कितने दिन अपर प्राइमरी स्कूल चली, वो आपको दिन या लिखने हैं। ये सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, वो वहाँ के स्थानीय परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं। सभी ज़िलों में वो नंबर आप रजिस्टर में देख के कितने दिन आपका प्राइमरी चला, कितने दिन अपर प्राइमरी चला, वो दिन आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर जो 1.34 है, इसमें पर डे नंबर ऑफ 10 से 4 की जो स्कूल होती है 6 घंटे की होती है, तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इसके अलावा आपको टीचर्स कितने आवर इन स्कूल में स्टे करते हैं वो आपको लिखने हैं, तो 6 6। इसके बाद जो 1.36 है, ये है आपकी सीसी से रिलेटेड। तो प्राइमरी लेवल में ऐसा ही क्यों प्रोग्राम चल रहा है, तो वो सीसी ही अपने यहाँ राजस्थान में चल रहा है, तो प्राइमरी में यस करें। अपर प्राइमरी कुछ विद्यालयों में चल रहा है, जहाँ चल रहा है वो यस करें, जहाँ नहीं चल रहा है वो नो कर दें। प्राइमरी में नंबर ऑफ असेसमेंट कितने हैं पूरे साल में, तो SA1, SA2, SA3 3 होते हैं। इसके बाद आप सीसी से संबंधित जो ग्रेडिंग है आप मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड, तो यस अपन पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसके बाद जो पोर्टफोलियो को अपन पेरेंट्स से शेयर करते हैं, तो आप इसमें भी यस करें। और असेसमेंट आइटम बीइंग प्रिपेयर्ड बाय स्कूल लेवल पे, तो आप SA1, SA2, SA3 के स्कूल लेवल पे बनते हैं, तो आप स्कूल लेवल कर दें। उसके बाद आपका जो सेशन है वो कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, तो जुलाई से, वो लिखकर आपको यहाँ सेव करना है। आप इस सेशन में विशेष ध्यान रखें सेक्शन में कि आपको ये जो दूरी है, ये दूरी जो आप शो कर रहे हैं, ये साला दर्पण के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट एक पोर्ट आप ओपन करके रखें अपने स्कूल लॉगिन को साला दर्पण पे, और वहाँ से जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अंतर्गत आपकी जो दूरी भर रखी है वही दूरी आप यहाँ यूडाइस के अंदर दें। तो साला दर्पण का डाटा और यूडाइस का डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो आपने प्रोफाइल में, स्कूल प्रोफाइल में भर रखा है वो डाटा ही आप यहाँ यूडाइस के अंदर भर कर उसको सेव करें, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो 1.18 से लेकर 1.37 तक जो डिटेल है उसमें आपको इनरोलमेंट और डिस्टेंस, ये आपको स्कूल प्रोफाइल यानी साला दर्पण से आप ले सकते हैं वहाँ देख कर, और वो डाटा री डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर दें, तो अगले खंड में चले जाएंगे। इस खंड में आपको 1.39 से लेकर 1.51 तक मैनेजमेंट ऑफ अदर डिटेल, जिसमें आंगनवाड़ी, स्पेशल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, SMC की डिटेल, ये आपको बढ़नी होगी। यदि आपकी स्कूल में आंगनवाड़ी चल रही है तो आप यस नो में जवाब दें यहाँ 1.39 में। यदि नो है तो फिर आपको नीचे की डिटेल नहीं बढ़नी, और यस है तो फिर आपको आंगनवाड़ी के कोड, कितने बच्चे उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स ये पढ़ रहे हैं, उसका आपको इसको पोर्शन को बढ़ना होगा। इसके बाद जो 1.40 है, इसके अंदर बाल वाटिका से संबंधित है। यदि बाल वाटिका आपके विद्यालय में चल रही है तो यस नो में जवाब दें। फिर स्पेशल ट्रेनिंग कुछ हुई है CWSN बालकों के लिए, तो उसमें यस नो में आपको जवाब देना है। हुई है तो यस, तो उसमें कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स इनरोल्ड हैं 2022-23 में, इसकी डिटेल आपको बढ़नी है। इसके बाद 1.42 में जो करंट एकेडमिक जो रेमेडियल टीचिंग है करंट एकेडमिक ईयर में, तो रेमेडियल टीचिंग सभी बच्चों की चल रही है 1 से 8 की, जिसमें इसमें जो जितना नामांकन है वो आपको नामांकन या बढ़ना होगा। तो शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत राजस्थान में जो कार्यक्रम चल रहा है वो 3 से 8, उसके अंतर्गत आपकी जो लर्निंग लॉस हुआ है उसका जो आपका नामांकन है वो आपको यहाँ बढ़ना है। इसके बाद एकेडमिक में आपकी कोई जांच हुई है, विद्यालय चेक हुआ है, इतने विजिट हुई है, उनकी संख्या आपको 1.44 के अंदर देनी है, जिसमें आपको टोटल CRC से कितने हुई है यानी POFC से, और BRC BOFC से कितने हुई है, और यदि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई ऑफिसर ने चेक किया तो उसकी विजिट को आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद 1.45 है, उसके अंतर्गत आपको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC RT नॉर्म्स के अनुसार रजिस्टर्ड कर रखी है, तो यस। उसके बाद आपने कितनी मीटिंग हुई, सेशन 21-22 उसकी संख्या लिखनी है। फिर आप यदि डेवलपमेंट प्लान बना रखा तो यस और नो, और ये कब से मेंटेन कर रहे हो उसकी आपको यहाँ ईयर लिखना है। SBC आपने कमेटी बना रखी है, AC कमेटी बना रखी है, अकेडमिक कमेटी। इसके बाद आपने पेरेंट्स PTA कितनी बार हुई है आपको उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद आपको PMMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है नहीं कर रखा है, इसका यस नो में जवाब देना है। तो सभी जो SN अकाउंट खुले हैं आपके, जीरो बैलेंस अकाउंट खुले हैं, उसके बाद आप सभी विद्यालयों का PMMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप सब इसमें यस कर दें। मल्टी क्लास यूनिट यदि आपके स्कूल में चल रही है तो यस नो में दें, और मल्टी क्लास यदि यस दे रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी क्लास आपकी है उसकी आपको यहाँ डिटेल बढ़नी है। फिर आपको जो
और 9 है इसके अंदर स्कूल कॉम्प्लेक्स, इसके यस नो में जो हब स्कूल है तो उसकी डिटेल देनी है। हब स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी कितने नंबर के स्कूल हैं उनकी डिटेल आपको नीचे भरनी है। उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपके स्कूल ने में चले जाएंगे। 1.52 के अंदर आपको फ्री टेक्स्ट बुक से संबंधित, TLM से संबंधित डिटेल भरनी है। सप्लीमेंट्री मटेरियल जो वर्कबुक आपको मिली है उससे डिटेल आपको इसमें भरनी है। तो आप इसकी सारी डिटेल, फ्री टेक्स्ट बुक आपको कब रिसीव्ड हुई उसकी डिटेल आपको भरनी है, TLM कितने हैं आपके लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए उनकी आपको संख्या भरनी है। सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको प्राप्त हुआ है वर्कबुक के रूप में तो आप यस भरें, कितने बच्चों को आपने सप्लीमेंट्री मटेरियल उपलब्ध कराया उनकी आप संख्या यहाँ लिख दें। उसके बाद आपके जो लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं PS और UPS में उनकी संख्या लिख दें। इस सेशन में आपने कितनी PS में आपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग कितनी किताबें बांटी हैं उनकी संख्या आप यहाँ लिख दें। UPS में कितनी बांटी हैं वो आप यहाँ लिख दें। सेकेंडरी में कितनी बांटी वो आप लिख दें यहाँ। लर्निंग आउटकम से संबंधित, पेरेंट्स से कितनी बार आपने बात की इसके संबंध में उनकी संख्या आप यहाँ लिख दें। वॉलेंटियर्स FLN के संदर्भ में तो उसमें यस, पीयर लर्निंग यस, प्ले मटेरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स आपके पास राशि सभी स्कूलों में आई है तो आप यस कर दें। इसमें फ्री यूनिफॉर्म स्टूडेंट कुछ जिलों में आ चुकी है, उसमें प्रोसेस में है तो आप यस कर दें। किस महीने में आपको ये मिली वो महीना आप यहाँ लिख दें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दें। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे आप अगले खंड में पहुँच जाएंगे। 1.53 जो है वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जो लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, यानी कि जो 1.53.1 है इसमें आपने कितने आइटम्स क्रिएट किए हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए, अपर क्लासों के लिए। तो असेसमेंट के लिए कितने पर्सन आपने बनाए हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपने कितने बनाए थे उनकी संख्या आप पिछले साल की UDIS में देख के आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपके जो यस नो में इसको आप जवाब देना है। स्कूल टीचर, स्कूल क्रिएट टीचिंग एड टूल्स टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के आपने कोई टूल्स बनाए हैं तो आपको यस नो में जवाब देना है। कोई प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, क्विज, डिबेट्स, क्रिएट क्रिएटिव राइटिंग वगैरह आपने इसमें तो यस नो में आपको इसका जवाब देना है। 1.54 से लेकर 1.57 के जो पॉइंट हैं वो स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड हैं तो इसके अंदर आपको यस नो में जवाब देना है। CCTV कैमरा अवेलेबल है कि नहीं स्कूल में, आपने SDMP स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रखा है नहीं बना रखा, तो जो भी कंडीशन जिस हिसाब से आपका है उसके अनुसार आपको यस नो में जवाब देने हैं। साथ ही 1.54 के अलावा जो 1.55 है वो है PGI इंडिकेटर्स, जिसके आधार पर राज्य की रैंक तय होती है राष्ट्रीय स्तर पर। इनको आप बिल्कुल अच्छे से देख के भरें, जिसके अंदर आपका उसमें भी आपको यस और नो में जवाब देना है। फिट इंडिया स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा नहीं रखा, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड से संबंधित। इसी प्रकार जो 1.57 है वो भी अदर इंडिकेटर्स हैं, जिसमें स्कूल में डिस्प्ले फोटोग्राफ ऑल टीचर्स है कि नहीं है, इको क्लब, यूथ क्लब, स्टूडेंट के अटेंडेंस, टीचर्स अटेंडेंस तो शाला दर्पण के माध्यम से हो रही है तो आपको इनमें यस यस करना है। साथ ही स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड SSA सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑप्शन, यानी आपका शाला सिद्धि के माध्यम से ये कार्य हो रहा है तो इसमें आपको यस करना है। तो जो 1.54 से 1.57 के पॉइंट हैं वो स्कूल सेफ्टी और PGI इंडिकेटर्स हैं, जिनमें आपको यस नो में जवाब देकर पढ़ना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके अगले खंड में जाना है। 1.58 से लेकर 1.60 तक है वो आपका कितना उस वित्त वर्ष में कितनी राशि आपको प्राप्त हुई और कितनी आपने खर्च की है उसकी डिटेल आपको 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपको राशि प्राप्त हुई है और कितना आपको खर्च कर दिया उसका विवरण आपको इसके अंदर भरना है। गवर्नमेंट की तरफ से और NGO की तरफ से कोई यदि आपको पब्लिक सेक्टर के माध्यम से या कोई कम्युनिटी समाज के माध्यम से जो भी राशि आपको मिली है उस वित्त वर्ष में उसको आपको यहाँ शो करना है, कितने मिले और कितने आपको खर्च करनी है उसकी डिटेल आपको भरकर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस प्रकार आपको राशि भरकर सेव करना है। इसमें 1.60 में ICT आइटम से रिलेटेड और स्पोर्ट्स
से रिलेटेड, लाइब्रेरी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको यस नो में जवाब देने हैं। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। इस प्रकार आपको खंड एक बनने के बाद जो आपका सेक्शन दो है उसको बनना है, जिसके अंदर आपकी फिजिकल फैसिलिटीज और जो भी डिजिटल इनिशिएटिव आपके हैं उनसे संबंधित आपको 2.1 से लेकर 2.27 तक डिटेल बननी है। उनको भी अपन देखते हैं। तो इसके अंदर आपको स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, रेंट पे है, उसकी डिटेल बननी है। फिर आपको यहाँ इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हें स्कूल कितना, एक है, दो ब्लॉक में है, कितने में, ये डिटेल आपको बननी है। बाउंड्री वॉल पक्का है कच्चा है, उससे संबंधित डिटेल बननी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्लासरूम इन द स्कूल, उनके कमरों की आपको संख्या बननी है, कितने क्लासरूम आपके हैं, उसमें कितने पक्के हैं, कितनों की मेजर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कितने की माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वो डिटेल बनने के बाद क्लासरूम के अलावा कोई कमरा है उसकी डिटेल भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। 2.5 से 2.18 में टॉयलेट फैसिलिटी, जो रनिंग वाटर, वाटर से संबंधित जो भी डिटेल है उसको आपको बढ़नी है। इसके अंदर आपको संख्या CWSN का टॉयलेट वगैरह ये देख के आपको जो भी संख्या है उसके अनुसार इसको बढ़ना है। इसके बाद इसमें जो हेल्थ चेकअप है वो हुआ है कि नहीं हुआ उसकी डिटेल आपको बढ़नी है। इसको बढ़ने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जो भी स्कूल में सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को आपको देखते हुए इसको बढ़ना है। किचन गार्डन से संबंधित सूचना, ये जो भी स्कूल की, स्कूल में जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको भरकर आपको सेव और नेक्स्ट करना है। दो पॉइंट 19 से 2.21 के बीच में फिजिकल फैसिलिटीज के संदर्भ में है, जिसमें आपका सेपरेट रूम, हेड ऑफ द स्कूल है, टीचर प्रिंसिपल का है तो यस नो में, सेपरेट रूम लाइब्रेरी के लिए तो उसका जवाब आपको देना है यस नो में। उसके बाद आपकी लेबोरेटरी के संबंध में है, उसके बाद आपकी जो इक्विपमेंट हैं उनके संबंध में है, वो वर्किंग में है कि नॉन वर्किंग में है, है यस नो और यस बट नॉट फंक्शनल, तो आपको यस सर करते हुए इसका आंसर देते हुए सबमिट करना है। जैसी स्थिति आपकी स्कूल के अंदर उस हिसाब से आपको यस नो में इसको सबमिट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आता जाएगा। 2.22 से लेकर 2.27 जो इसका पार्ट बी है वो कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव से संबंधित है, तो कितने लैपटॉप है, कितने डेस्कटॉप हैं, कितने टैबलेट हैं, उनसे प्रोजेक्टर है कि नहीं, प्रिंटर है कि नहीं, स्कैनर, सर्वर, इन सब की डिटेल आपको बढ़नी है। कंप्यूटर लैब, DTH, TV चैनल, डिजिटल लाइब्रेरी, ICT बेस्ड टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, ये सब चीज़ आपको देखकर आपकी स्कूल की स्थिति के अनुसार आपको यस नो में और नंबर ऑफ यूनिट आपको जो भी है लिखते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इसके अंदर मोबाइल फ़ोन यूज फॉर टीचिंग के लिए भी दे रखा है, तो जितने आपके टीचर उनके पास अगर वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें तो उनकी संख्या यहाँ लिख दें। यदि किसी के पास ICT लैब स्कूल के अंदर है तो यस नो में यहाँ जवाब देना है। यस के अंदर यहाँ विच मॉडल इम्प्लीमेंट द स्कूल, ये एक ऑप्शन है, इसमें ICT लैब इसके अंदर है, BOOT मॉडल, BOO मॉडल। तो BOOT मॉडल होता है जो संस्था सेटअप तैयार करती है कोई एजेंसी के माध्यम से, फिर उसको स्कूल मैनेजमेंट यदि चलाता है तो BOOT मॉडल होगा। और ऐसा मॉडल जिसके अंदर कोई एजेंसी उसको रन कर रही है कंटिन्यू, तो फिर वो BOO मॉडल होगा। तो इस प्रकार आपको ये सारी डिटेल भरकर आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप जो स्टेटस यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टेटस में कंप्लीट 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 और यहाँ ओवरऑल स्टेटस आपको दिख रहा है कंप्लीट ऑल फॉर्म। तो इस प्रकार जो इसका चार सेक्शन बने हुए हैं, जैसे पहला और दूसरा अपन ने भरा, तीसरा सेक्शन जो होगा वो स्टाफ से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित है, वो आपको एक अलग पोर्टल पे जाके पढ़ना होगा। साथ ही जो स्टूडेंट वाला है वो साला दर्पण से मैप करके इस पर चालू किया जाएगा जो अभी तक रन नहीं हुआ है। तो इसके बाद दो सेक्शन बनने के बाद में तीसरे सेक्शन के लिए आपको इसके डैशबोर्ड पे आना होगा, होम पे आना होगा और होम पे क्लिक करके
यहाँ आपको टीचर्स वाला जो ऑप्शन दे रखा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो एक अलग साइट पे आपको लेके जाएगा डैशबोर्ड पे, जिसमें वापस आपको का जो यूडाइस कोड, यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करना होगा। यहाँ से आपको कैप्चा लगा के लॉगिन करना है। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जो नेशनल टीचर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो ये एक पोर्टल आपको अलग ही पढ़ना होगा, जिसमें आपको क्लिक किया हियर ओपन डीसीए फिल द डाटा पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करते हैं नया डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ आपके विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, स्कूल का डैशबोर्ड ही ओपन हो जाएगा आपका, जहाँ रेगुलर टीचर कितने उनकी संख्या आ जाएगी, नॉन रेगुलर टीचर की संख्या आ जाएगी, टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन जो इस टाइम हैं उनकी डिटेल यहाँ आ रही है, इनकम्प्लीट यानी अभी तक इनको नहीं भरा उनकी संख्या यहाँ आ रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ आ रही है। तो आपको प्रत्येक टीचर की डिटेल को फिल करना होगा। तो आपको यहाँ जो इनकम्प्लीट आ रहा है इसकी संख्या पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो टीचर्स की डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से उन टीचर्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ आप अपडेट करेंगे जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट, टीचिंग ट्रेनिंग एंड अदर्स, प्रत्येक टीचर को ओपन करते हुए ये सभी चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी। जैसे आप अपडेट करेंगे तो स्टेटस में कंप्लीट लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यदि किसी टीचर को जोड़ना है, नया टीचर है, तो ऐड ए न्यू टीचर पर क्लिक करके उसकी सारी डिटेल भरकर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस पोर्टल के माध्यम से आपको टीचर की डिटेल को अपडेट करना होगा। साथ ही यदि कोई टीचर को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, और किसी टीचर की डिटेल आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको टीचर्स की डिटेल को अपडेट करनी होगी। जितने टीचर हैं उनकी सभी की डिटेल आपको अपडेट करके कंप्लीट करना होगा। इस प्रकार आपको प्रत्येक टीचर की डिटेल को अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो स्टेटस में कंप्लीट लिखा आ जाएगा। कुछ डिटेल आपकी जो जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपके पहले से पोर्टल पे भरी हुई मिलेंगी। आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करते हुए आपको अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे ग्रीन कलर में हो जाएगा और यहाँ स्टेटस में कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार जो टीचर्स की डिटेल है वो आपको एक अलग डैशबोर्ड पे बननी होंगी, नेशनल टीचर डाटाबेस जिसका नाम है। तो इस प्रकार आपको यूडाइस के जो चार खंड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा टीचर्स का, ये अपने इस वीडियो के अंदर बनना देखा। चौथा जो सेक्शन है विद्यार्थी से संबंधित, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे वो स्टार्ट होगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें। हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।